पठानकोट नगर निगम की ओर से बरसात से पहले शहर पठानकोट के गंदे नालों की सफाई करवाने के दावों की आज उस समय पोल खुल गई जब सिविल अस्पताल पठानकोट के समक्ष गुजरते गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल के मुख्य गेट के समक्ष खड़ा हो गया। गेट के समक्ष एकत्रित हुए गंदे पानी के कारण आम लोगों के साथ ही मरीजों को भी सिविल अस्पताल पठानकोट में आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो मौके पर नगर निगम अधिकारी स्थित सैनी विशेष रूप से मौके पर पहुंचे और तुरंत नाले को ठीक करने के लिए कर्मी लगाए। हालांकि बहुत ही जद्दोजहद के बाद निगम के कर्मियों को नाले की निकासी का प्रबंध सही करने में लगा। निगम अधिकारी स्थित सैनी ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं हैरत की बात ये है कि सारा नाला ढका हुआ है, उसके बाद भी लोग कूड़ा करकट और बोरियां इत्यादि उसमें फेंक रहे हैं, जिसके कारण आज अचानक ही ये नाला ब्लॉक हो गया और सारी स्थिति उत्पन्न हुई। दो घंटे भी कितने हुई है, थोड़ी देर हुई है, ये तो मसा अद्धा पौना घंटा हुई है बारिश की, और अस्पताल के बाहर देखो कि नाला कितना बुरी तरह भरो गया है और ब्लॉकेज हो गई है, और जो मेन गेट है हॉस्पिटल का वो बाहर इन्ना इन्ना पानी है कि लोगों को टप्पर की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक तो वैसे अगर टोया पाया हो और पानी भरोसा पता लगता पाया भी टोया कितने तो पानी कितने मिल सकता है, तो कई बेचारे इदा आते माड़े आदमी डिग भी पै सकते हैं, और देखो अजय अद्धा पौना घंटा बारिश हो गया तो ये हाल है। अजय तो बरसात शुरू नहीं हुई, अजय तो बरसात शुरू होनिया ने, और जो भर बरसात हो यही हाल रहा तो जरूरी है कि यह अस्पताल भी किया पानी अंदर वार्डा तक जा सकता, और पहला भी नाला तुम्हें पता ही जो पिछले नाला है बोली वाला वो भी काफ़ी भरोया रहा है, हर बार जो भी बारिश होंगी है तो पानी हमेशा अस्पताल के आता, और साड़ी जी सस्ती रसोई हैगी इतने भी काफ़ी पानी रहा। सिविल हॉस्पिटल के बाहर मेरे वालों मौका देखा गया, उतने पानी जोड़ा है ब्लॉक हो चुका है, नाले के लोगों वालों बड़िया बोरिया के होर मलबा सुटिया जाता जिसके कारण नाला ब्लॉक हो रहा है। नाले की सफाई चल रही है नगर निगम वालों, नाले लोगों ना कूड़ा सुटन की कई बार अपील भी की गई है, तो नगर निगम वालों हूँ जंगले भी लगाए गए हैं कि ता जो कोई नाले के कूड़ा ना सुटे, पर लोगों वालों ये फिर भी कचरा सुट दिता जाता जिस नाला ब्लॉक हो जाता है। तो मैं एक बार फिर अपील करता नगर नगरवासियों कि नालों के कोई भी कूड़ा ना सुटा जाए, नहीं तो आम दिन बरसात में होर भी दिक्कत बढ़ सकती है। मैं शमशेर सिंह कोठे मनवाल, मैं जब हस्पताल आया तो हस्पताल की वेगा देखा कि कल शाम की बारिश हुई है, अजे तक इन्हें कोई नाला नहीं खुलिया, अजे दो घंटे बारिश ना यह हिसाब है, तो जो कि अगर बारिश आनी फिर की हाल होगा शहर का, तो मैं तो यो करा अपील भी इदा का काम जरा नहीं दोबारा होना चाहिए। पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज़ पंजाब। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।